तो आइए चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आज आशा सुमन रसोई में, जो कि यार गांधी आई हॉस्पिटल के अंदर, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसलिए आज इंट्रोडक्शन कराती हूँ उनका इस रसोई के साथ। तो जैसे आप यहाँ पे अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा हॉल। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हॉल है, इसमें दो दो टेबल लगे और इतनी सारी यहाँ पे आपको दो दो टेबल मिलेंगे और साथ में मिलेगा बहुत बड़ा एंट्रेंस मिलेगा और यहाँ आपको मिलेगी सिर्फ 20 रुपीज़ 20-40 हम दो लोग थे इसलिए सिर्फ 20 रुपीज़ में भर पेट खाना मिलेगा। इसमें मिलेगी आपको 6 रोटियाँ, चावल, दाल, सब्जी और ये आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग खाने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही चीज़ मिले और यहाँ पे आपको साथ में पानी भी मिलता रहेगा, वो भी प्योर आरओ का पानी मिलेगा। और यहाँ पे हर डे अलग अलग खाना बनता है, मंडे टू सैटरडे, और संडे को ये क्लोज रहती है। आई मैं आपको ले चलती हूँ किचन की ओर। तो ये यहाँ की किचन है, ये यहाँ से आप प्लेट लेंगे, सेल्फ सर्विस, यहाँ पे आपको खाना पूरा परोस के देंगे, उसके बाद आपको टेबल तक अपने आप लेके जाना। अगर आपको दोबारा से कुछ चाहिए तो आपको यहाँ लेने आना पड़ेगा। तो ये दाल, सब्जी, चावल, बाहर रायता है, खाना बहुत टेस्टी। और जो यहाँ की दीदी है वो भी बहुत स्वीट है, उनसे हम मिल चुके हैं, बातचीत भी कर सकते। किचन में मैं तो खाना काफी समय से खा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराओ। अगर आप घर वाला खाना खाना चाहते हैं और बहुत ही किफायती, और एक चीज और है, अगर आप यहाँ पे कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे पैसे ही डोनेट होते हैं, या आप कोई जैसे सीजनल कुकुम्बर है आप वो भी जाके डोनेट कर सकते हैं। तो जितने भी सुबह से लेकर शाम तक, या फिर आपने जितनी क्वांटिटी में कुकुम्बर दिए होंगे वो जितने भी कस्टमर्स को पहुंचेगा, जितने भी पेशेंट्स को या जो भी यहाँ पे खाना खाने आएगा, उस दिन सैलेड में वो स्पेशली के रखा जाएगा। काफी बार हमने, मतलब लाइक मेरे दादाजी ने, हमने तो नहीं, मेरे दादाजी ने काफी बार यहाँ पे की, क्योंकि ये जो किचन है वो मेरे दादाजी ने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराई थी। ये उनके जमाने की और शायद उससे भी बहुत पहले जमाने की किचन है। आप लोग भी, मैं तो कहूंगी जरूर जाएगा। ये बाहर का मैदा वाली रोटी खाना और इतना ज्यादा ऑयली और अजीब सा खाना खाने से ज्यादा बेटर है कि आप यहाँ जाके फ्रेश कूलर में बैठ के खाना। और यहाँ के कूलर भी इतने अच्छे थे ना कि उन्होंने पूरा हॉल बहुत ठंडा कर रखा था। जरूर जाइएगा आप लोग यहाँ पर।